धरती पर आए हैं, ये कब तक चलता रहेगा सिलसिला? जब तक अपने आप को पूरी तरह परमात्मा के रूप में प्रकट नहीं कर लेते, और वो परमात्मा हो जाने का नाम ही सेल्फ रियलाइजेशन है, आत्म ज्ञान है। अभी भी बचपन से लेकर आज तक खुद को देखो कि आपने कितनी सारी संभावनाएं अपने अंदर देखी है। आपकी कल्पना शक्ति में वो पावर है कि इंसान इंसान से परमात्मा होने तक की बात सोच सकता है, और सोचे क्यों ना सोचे, क्योंकि वो इसकी अंतिम संभावना है। इसके अंदर एक प्यास बनी रहती है हर इंसान के अंदर कि मैं वो क्यों नहीं पा रहा हूं जो मैं पा सकता हूं। नमस्कार, सेल्फ अवेकनिंग मिशन से संजीव मलिक। दोस्तों, आप में से बहुत से लोगों का सवाल होता है कि इस धरती पर आखिर हमें भेजा क्यों गया है, परमात्मा को क्या जरूरत पड़ी थी, अस्तित्व को क्या जरूरत पड़ी थी हमें इस धरती पर भेजने के लिए, और हम यहाँ पर क्यों आए हैं, हमारा पर्पस क्या है। इसके लिए बहुत से लोग सवाल करते हैं, आखिर भेजा ही क्यों, फर्स्ट टाइम स्टार्ट ही क्यों किया गया। इसका जवाब मैं इस वीडियो में आपको दे रहा हूँ। साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों, इस बात को समझ लीजिए, जैसे एक छोटा सा बीज होता है, उस बीज को देखकर आप कभी ये अंदाजा लगा सकते हैं कि इतना बड़ा वृक्ष बनने वाला है। कभी आपने किसी भी छोटे से बीज को देखा हो, एक नीम का छोटा सा बीज देख लीजिए, निमोली होती है छोटी सी, उसको देखकर कभी अंदाजा लग सकता है कि ये छोटा सा बीज इतना विराट पेड़ बनेगा और यहाँ पर अनेक लोगों को छाया दे पाएगा, अनेक तरह के फल दे पाएगा। क्या ये अंदाजा लगता है? शायद नहीं। अगर आपको पता ना हो पहले से, तो आप इस बात का अंदाजा भी बड़ी मुश्किल से लगा सकते हैं कि इस बीज में इतनी सारी कैपेबिलिटी छुपी हुई है। इसी प्रकार से हमारी आत्मा के अंदर अनेक कैपेबिलिटी है, अनेक तरह की पावर है। हम भी छोटे से परमात्मा है, क्रिएटर है, छोटे से रूप में हम भी परमात्मा है, हम भी क्रिएटर है। हमारे पास अनंत संभावनाएं छुपी हुई हैं, और हर एक के अंदर अलग अलग तरह की संभावनाएं छुपी हुई हैं। कुछ बेसिक कैपेबिलिटी जो हमारे अंदर कॉमन है, जो बीज रूप में मौजूद होती है, जैसे हमारी आत्मा के कुछ गुण है, हमारी आत्मा के कुछ स्वभाव है, हमारी आत्मा जो है वो खिलकर अनेक रूपों में प्रकट हो सकती है। आप सोचिए, संसार के सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर अर्जुन जैसा सामर्थ्य भी हो सकता है, आप देखिए भीम जैसा महाबलवान भी हो सकता है, तो वो भी हमारी तरह इंसान ही ना। लेकिन ऐसा उन्होंने अपने आप को एक्सप्लोर किया अपनी भाषा में, अपने एक पर्टिकुलर एरिया में। वो रामानुजम जैसे महागणितज्ञ भी हो सकते हैं, वो अल्बर्ट आइंस्टीन जैसे महान वैज्ञानिक भी हो सकते हैं। एक ही आत्मा के अंदर कितनी सारी कैपेबिलिटीज छुपी हुई हैं, कितनी सारी पावर्स छुपी हुई हैं। हमारी आत्मा में अनेक गुण हैं। ये महाविद्वान हो सकती है, ये महाज्ञानवान हो सकती है, ये महाधनवान हो सकती है, ये महान इंडस्ट्रियलिस्ट हो सकती है, ये इसके अंदर शांति का गुण है, इसके अंदर आनंद का गुण है, ये बुद्ध भी हो सकती है, ये श्री कृष्ण भी हो सकती है, ये महावीर जैन भी हो सकती है, ये ओशो भी हो सकती है। आत्मा है, इस आत्मा के अंदर इतने सारे गुण मौजूद हैं, लेकिन इसकी जब तक एक्सप्लोर नहीं करोगे तो पता कैसे चलेगा। तो इस आत्मा को परमात्मा ने अपने ही जैसा बनाया, अपने ही आपको सामने प्रकट किया, अलग अलग फॉर्म में प्रकट किया। फिर इन सबको अपनी कैपेबिलिटीज को आजमाने के लिए, अपनी कैपेबिलिटीज को एक्सप्लोर करने के लिए एक प्लेटफॉर्म दिया। इस प्लेटफॉर्म का नाम है सृष्टि। इस सृष्टि में जाओ, अलग अलग रूपों में जन्म लो और जाकर देखो अपनी कैपेबिलिटीज को। हम अलग अलग रूपों में आए हैं। भगवान श्री कृष्ण के अनुसार 84 लाख टाइप की जूनियां होती है, हमारे सदग्रंथों में भी ऐसा लिखा है। तो हमने कभी पेड़ बनकर अपने आप को एक्सप्लोर किया कि हम दुनिया को क्या दे सकते हैं? आत्मा वही है, उसी आत्मा का एक फॉर्म उस रूप में आया। फिर उसी आत्मा का दूसरा फॉर्म जो आया, वो एक एनिमल के फॉर्म में आया, एक डॉग के रूप में आया। अपने आप को उसने एक्सप्लोर किया, वफादारी सीखी। वही आत्मा जो है वो एक हाथी के रूप में आई, अपनी विराट ताकत के सहारे देखा अपने आप को। आत्मा वही है, उसके अंदर अलग अलग कैपेबिलिटीज, उस कैपेबिलिटी को एक्सप्लोर करने के तरीके, तरह तरह से हमने अपने आप को एक्सप्लोर किया। एक ही आत्मा जो है वो अलग अलग रूपों में प्रकट होकर जब अपने आप को एक्सप्लोर करती है, बस यही कारण है जानने का कि हम अपने आप को जान सके, इस आत्मा के गुणों को हम प्रकट कर सके। तो इसमें इस आत्मा में ताकत है, इस आत्मा में पावर है, इस आत्मा में आनंद है, इस आत्मा में प्रेम है, इस आत्मा में शांति है, इस आत्मा में ठहराव है, इस आत्मा में बुद्धत्व की पूरी कैपेबिलिटी है। ये पूरी तरह परमात्मा ही है, लेकिन ये बीज रूप में है। तो ऐसा ना हो कि ये बीज ही रह जाए। इसीलिए हम सबके अंदर एक उत्कंठा रहती है, हम सबके अंदर एक बेचैनी है बाय डिफॉल्ट। ये बीज जो है ये खिलकर किस प्रकार से विराट वृक्ष हो सके, जब तक ये नहीं हो जाता ये बेचैन रहता है। आप भी अपने अंदर देखो, कभी भी मन बहुत ज्यादा टिक कर नहीं बैठता, जितना भी इसको शांत कर लो ये फिर जाकर कुछ ना कुछ कलाकारियां दिखाता है। ये अपने आप को नई नई इमेजिनेशन करता है, नई नई कल्पना शक्ति करता है, और नए नए एक्सपेरिमेंट करना चाहता है, नए नए तरीके से एक्सप्लोर करना चाहता है, अपनी पावर्स को दिखाना चाहता है। कोई बीज अधखिला ना रह जाए, कोई बीज बीज ही ना रह जाए और मर ना जाए।
बस यही पर्पस है धरती पर हमारे भेजे जाने का, यही पर्पस है हमारे संसार में जन्म लेने का, कि हम अपने आप को पूरी तरह जान सके, एक्सप्लोर कर सके अपनी पावर्स को। भेजा तो इसीलिए गया। आप एक पिता बनकर पैदा होते हैं तो पता चलता है कि कितना प्यार करने की क्षमता है। आप एक पुत्र बनकर पैदा होते हैं तो पता चलता है कि कोई आपको केयर कर रहा है, आपको लाड कर रहा है, प्यार दे रहा है। आपको एक बहन बनकर, एक बेटी बनकर आप पैदा होते हैं, आप एक पत्नी बनकर पैदा होते हैं, आप एक स्त्री बनकर पैदा होते हैं, पुरुष बनकर पैदा होते हैं। ये अलग अलग कैपेबिलिटीज है, एक ही आत्मा है, एक ही आत्मा के अनेक अनेक रूप है, अनेक अनेक रूप है। तो मैं बस इतना ही कहना चाहता हूँ, आत्मा हम हैं लेकिन उसके अंदर अनंत संभावनाएं, अनंत संभावनाएं हैं। आप कौन सी संभावना लेकर पैदा हुए हैं? समस्त संभावनाओं के साथ पैदा हुए हैं आप, तो उन संभावना पे आपने कितना काम किया है? आप देखिए कितनी सारी चीजें आप पहले कर चुके हैं, फिर भी मन में एक प्यास बनी हुई है कि मैं और ऊंचा उठना चाहता हूँ, और ऊंचा उठना चाहता हूँ। क्योंकि इस बीज के अंदर कहीं ना कहीं एक सॉफ्टवेयर है जो उसे बार बार बताता रहता है कि तुम एक विराट वृक्ष हो सकते हो, एक विराट वृक्ष हो सकते हो। तो श्री कृष्ण जैसे एक संपूर्ण खिला हुआ वृक्ष है, उदाहरण के लिए वो अर्जुन को कह रहे, अर्जुन देख, तू अपने आप को देख और मुझे देख, और जान कि तू इतना विराट अस्तित्व का स्वामी, तू मेरे उस विराट रूप को देख और जान कि तू भी मेरा ही अंश है, तू भी मेरा ही अंश है। तो तेरे अंदर वो समस्त संभावनाएं छुपी हैं जो मेरे अंदर छुपी हैं। बस इसी तरह से हम खुद को एक्सप्लोर करते हैं। क्या आप भी अपने आप को एक्सप्लोर करते हैं? आप अपने अंदर एक संभावनाएं छुपी हुई देखते हैं, जानते हैं? क्या आप एक अच्छे अपने, अगर आप अपनी कैपेबिलिटीज को लिखना शुरू करें, जरा जानकर देखना, लिखना, ट्राई करना कि मैं क्या क्या हो सकता हूं, मेरे अंदर क्या संभावना नहीं छुपी कि मैं एक बहुत अमीर इंसान बन जाऊं, या मेरे अंदर संभावना छुपी है कि मैं एक बहुत अच्छा गायक बन सकूं, या मैं एक वादक बन सकूं, या मैं एक डांसर बन सकूं, या मैं इंजीनियर बन सकूं, या एक डॉक्टर बन सकूं। वो एक पॉसिबिलिटी है, लेकिन वो लिमिटेड नहीं है, वहां तक वो सीमित नहीं है, अनंत अनंत संभावनाएं हैं। मैंने अपने अनेक जीवन एक्सप्लोर कर करके देखे हैं। किसी जीवन में मैं कोई वैद्य भी रहा हूँ, किसी जीवन में गणितज्ञ रहा, मतलब गणित के बारे में बहुत अच्छा ज्ञान था, किसी जीवन में जो एक नवाब भी बन के पैदा हुआ, किसी जीवन में एक पंडित बनकर पैदा हुआ, किसी जीवन में एक फकीर बनकर पैदा हुआ, मतलब अनेक अनेक संभावनाएं, एक तपस्वी बनकर पैदा हुआ, और किसी जीवन में जो है मैं एक व्यापारी भी था, किसी जीवन में एक सेनापति था। तो कितनी सारी संभावनाएं हो सकती है एक आत्मा की। हम सब के अंदर वो संभावनाएं, बहुत सारी संभावनाएं हम ट्राई कर चुके हैं, अभी धरती पर आए हैं। ये कब तक चलता रहेगा सिलसिला? जब तक अपने आप को पूरी तरह परमात्मा के रूप में प्रकट नहीं कर लेते, और वो परमात्मा हो जाने का नाम ही सेल्फ रियलाइजेशन है, आत्म ज्ञान है। अभी भी बचपन से लेकर आज तक खुद को देखो कि आपने कितनी सारी संभावनाएं अपने अंदर देखी है। कभी लगता था कि आप इतने बड़े बड़े भी हो जाओगे, कभी लगता था कि आप एक कंपनी को चलाने वाले हो सकते हो, कभी लगता था कि आप इतने लोगों के बीच में पॉपुलर हो सकते हो। आप अपने ही बचपन को आज के टाइम से कंपेयर करके देखो, आपने डेफिनेटली जीवन में कुछ तो पाया होगा ना। अपने बचपन में क्या कभी आप सोच भी सकते थे कि आप ऐसे हो सकते हो? अब तक जितना कुछ पाया, अब यहां से भी मैं आपको इतना ही कह रहा हूं कि एक बार सोच पैदा करो कि इतनी ऊंचाई पर जा सकते हो। और जब बनना ही है, ऊंचाई पर जाना ही है, आप जो सोचो सोच लो, किसने मना किया है? आपकी कल्पना शक्ति में वो पावर है कि इंसान से परमात्मा होने तक की बात सोच सकता है। और सोचे क्यों ना सोचे, क्योंकि वो इसकी अंतिम संभावना है। इसलिए अंदर एक प्यास बनी रहती है हर इंसान के अंदर कि मैं वो क्यों नहीं पा रहा हूं जो मैं पा सकता हूं। वो तड़प है अंदर, मैं और बेटर हो जाऊं, मैं और बेहतर हो जाऊं। परमात्मा हमारी वो सबसे बड़ी संभावना है जो हम हो सकते हैं, मैक्सिमम संभावना है। श्री कृष्ण वो खिला हुआ वृक्ष है, उदाहरण के लिए, जो हम सब हो सकते हैं। वो दिखा रहे हैं कि मैं कितना विराट हूं, इतना हो सकते हैं। आप भी ऐसे हो सकते हो, अभी बिंदु रूप में से लेकिन हैं तो सही, उसी रूप में थोड़े से हैं लेकिन हैं। उसी को एक्सप्लोर करने के लिए हमें ये मनुष्य का शरीर दिया जाता है। बेशक हम यहां आकर दुखी और सुखी होते हैं, लेकिन ये कष्ट ही तो हमें सिखाते हैं कि हमें महान बनना है। ये कष्टों से निकलकर ही तो आप अपनी कैपेबिलिटी को जान पाते हो ना। आपको जब तक कैद खाने में बंद ना किया जाए, उस कैद को तोड़ने की टेक्निक आप कहां से लगाओगे? आपको जब बंद ही नहीं किया गया तो आप ताकत कैसे लगाओगे? जब आपको उस जगह पर डाल दिया जाता है, तो आप अपनी पावर्स दिखाते हो कि हाँ, मैं अपने आप को एक्सप्लोर कर सकता हूं। और जब जब हमारे मन के ऊपर वो प्रेशर डला है, तब तब हम और बेटर हुए हैं और खिले हैं, ये अपने जीवन का प्रूफ देख सकते हो। ऐसा है अथवा नहीं है, नीचे कमेंट करके बताइएगा। क्या संभावना लगती है आपको अपने अंदर, मैं क्या हो सकता हूं? जरा नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। मैं उम्मीद करता हूं आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी। पृथ्वी पर पैदा होने का उद्देश्य समझ में आ गया होगा, बस यही खेल है। जिस दिन खुद को जान लेंगे, उस दिन दोबारा संसार में जन्म लेने की आवश्यकता नहीं रहेगी, बस इतनी सी बात है। तो ये उसी को हम मोक्ष कहते हैं, या उसी को हम आत्म साक्षात्कार कहते हैं। मैं मोक्ष से ज्यादा आत्म साक्षात्कार में विश्वास रखता हूं। जन्म लेना ना लेना कोई दुखद बात नहीं है,
दुखद बात नहीं है, बस मैं अपने आप को जान सकूं, उसके बाद मैं जो मर्जी करने के लिए आऊं, मेरी फ्रीडम मुझे मिलनी चाहिए। उस फ्रीडम का नाम ही आत्म साक्षात्कार है, उसी फ्रीडम का नाम मुक्ति है। उम्मीद करता हूं बात समझ में आ गई होगी। वीडियो अच्छा लगे लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।